नमस्कार, मैं अनु उम्मत आज आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग एक के गद्य खंड का पहला पाठ दो बैलों की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इस कथा के प्रमुख पात्र दो बैल हैं जिनका नाम हीरा और मोती है। ये बैल सीधे साधे सरल स्वभाव के हैं। बैलों के आपसी वार्तालाप से कथाकार ने प्रतंत्र भारतीयों की दासता की पीड़ा को मुखरित किया है। लेखक ने गुलाम भारतीयों को संदेश दिया है कि आजादी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, वह सहजता से प्राप्त नहीं होती। इस कहानी में पशु मानवों की तरह सोचते हैं और बोलते बतियाते हैं। इसके अतिरिक्त हीरा और मोती नामक बैलों का अपने मालिक के आत्मीय संबंध दिखाकर भारतीय कृषक के पशुओं से भावनात्मक लगाव को भी प्रदर्शित किया गया है। इस कथा का सारांश इस प्रकार है। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। ये दोनों बड़े ही सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। बड़े दिनों से एक साथ रह रहे थे। इसका परिणाम यह था कि दोनों में प्रेम पनप गया था। वे साथ साथ खाते, आपस में सींग भी मिला लिया करते थे। एक दूसरे को सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे। एक दूसरे के मन की बात पता नहीं कैसे जान लेते थे। झूरी अपने बैलों को बहुत अधिक प्रेम करता था और बैल भी उसका उतना ही प्रेम उससे करते थे। झूरी उनकी नांदों में खली, भूसा, चोकर, दाना हमेशा तैयार रखता था। दोनों बैल प्रसन्नता से उसका वहां पर खाना खाते थे और प्रेम पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे थे और मालिक की आज्ञा का के अनुसार पूरा काम भी किया करते थे। झूरी के साले की मांग पर संयोग से झूरी ने बैलों को उसके साथ भेज दिया। बैलों ने समझा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। इसी गलतफहमी से वे झूरी के साले के साथ जाने में असहयोग करने पर तुल गए। वे अड़ गए। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे की ओर जोर लगाते। किसी तरह झींकते झिंकाते वे शाम तक नए घर में पहुंचे। झूरी के साले ने उन्हें चारा डाला परंतु उन्होंने उसमें मुंह तक ना दिया। नया स्थान उन्हें बेगाना सा लगा। दोनों बैलों का मन उसके साथ जाने को बिल्कुल नहीं था। जैसे तैसे वे उसके घर पहुंच गए। गया के घर में दोनों बैलों का बिल्कुल मन नहीं लगता था और उन्होंने एक रात को सलाह मशवरा करके वहाँ से पगहा तोड़कर झूरी के घर की ओर भाग निकले। झूरी ने जब बैलों को सुबह देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। घर गांव में बैलों की वापसी की खुशी छा गई। झूरी की पत्नी को बैलों का इस तरह वापस आना अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से में अपने नौकरों को सूखा चारा बैलों के आगे डालने की हिदायत कर दी। बैलों ने उस चारे को छुआ तक नहीं। झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा परंतु उसने मालकिन के निर्देश की अवहेलना करना उचित नहीं समझा और बेचारे बैल भूखे रह गए। झूरी का साला दूसरे दिन फिर दोनों को अपने संग लिवा लाया। इस बार उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा, उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। बैलों को इस व्यवहार में अपना घोर अपमान प्रतीत हुआ। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए परंतु दोनों बैल टस से मस ना हुए। हीरा को पिटते देख मोती को गुस्सा आ गया। वह हल लेकर भागा। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब कुछ टूट टाट गया। बैल भागे तो परंतु लंबी रस्सियों के कारण फिर से पकड़े गए। बैलों को भागने की सजा के तौर पर सुबह से शाम तक सूखा चारा मिला, वह भी बहुत कम। शाम के समय गया के भाई भैरों की लड़की दो रोटियां लेकर आई। उन रोटियों से उन्हें तृप्ति मिली। बैलों ने जान लिया कि यह लड़की भैरों की दूसरी पत्नी सौतेली माँ की सताई हुई है। मोती को उसके प्रति दया उमड़ी। वह सोचने लगा कि बेटी को सताने वाले भैरों या उसकी पत्नी को उठाकर पटक दे, परंतु हीरा ने समझाया कि ऐसा करने से वह लड़की अनाथ हो जाएगी। लड़की का स्नेह याद करके दोनों चुप रह गए। रात में उन्होंने फिर से भागने की सोची। धीरे धीरे रस्सी चबाकर कमजोर करने लगे। तभी नन्ही लड़की ने आकर उनकी रस्सियां खोल दी और बाद में शोर मचाया कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, उन्हें पकड़ो। हीरा और मोती भागे जा रहे थे। गया उनका पीछा करने दौड़ा।
गांव के और लोग भी दौड़ उनको पकड़ने दौड़े। इसी भाग दौड़ में दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते एक मटर के खेत में पहुंच गए। वहां मटर खाई और फिर उछल कूद में लग गए। उनके इस आनंद में अचानक एक बाधा आ गई। एक सांड उधर आ गया। वे सोचने लगे कि इससे अब कैसे मुकाबला करें। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों मिलकर आक्रमण करें। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देता। सांड को शायद दो शत्रुओं से एक साथ मुकाबला करने की आदत नहीं थी। दोनों बैलों ने लगातार आक्रमण से थोड़ी देर में सांड बेजान सा होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने दयावश उसे छोड़ दिया। जीत के नशे में दोनों बैल मटर के खेतों में फिर घुस गए। इसी बीच लोग जो है लाठियां लेकर आ गए। हीरा किनारे पर था, भाग निकला पर मोती कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया। जब हीरा को यह एहसास हुआ कि मोती संकट में है, तब वह भी वापस लौट पड़ा। खेत के रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। वहां पर पहले से ही बहुत सारी बकरियां, भैंसे, गधे और घोड़े थे। भूख प्यास से सभी का दम निकला जा रहा था। बढ़ती हुई भूख और निरादर की व्यथा से दोनों के मन में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। हीरा ने बाड़े की कच्ची दीवार पर सींगों से वार करना शुरू कर दिया। हर बार में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिर जाती। तभी चौकीदार ने लालटेन के प्रकाश में हीरा का उज्जटपन देखा तो वह डंडे से पीट करता था खूब मोटी रस्सी से बांध कर चला गया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब में कहा, बंद गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कई जाने आजाद हो जाती। यह सुनकर मोती को भी जोश आ गया। उसने भरपूर ताकत से दीवार में सींग मारे। 2 घंटे की लगातार मेहनत और शक्तिशाली चोटों से उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। दीवार के गिरते ही सारे जानवरों की जान में जान आई। घोड़े, बकरे सब भागने लगे। एक भैंस है, सब आगे इधर उधर भागे पर गधे में ही खड़े रहे। बोले, भागने से क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने सींग मार मार कर उन्हें बाहर भगाया। समस्या यह थी कि मोती जो था वो मोती से उसने बोला भाग जाए, परंतु चौकीदार से खूब पिटाई पिटाई करेगा। मोती बोला, मैं विपदा में तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर वह वहीं सो गया। कांजी हाउस की हालत देखकर सुबह सबने मोती को उसका कर्ता धरता मानकर उसकी खूब पिटाई की और रस्सियों से बांध दिया। 1 सप्ताह तक दोनों कांजी हाउस में बंधे रहे। खाने को कुछ नहीं, बस पूरे दिन एक बार पानी दिन में पानी पीने को मिलता था। दोनों की हड्डियां बाहर निकल आई थी। नीलामी के दिन उनका दुर्बल शरीर देखकर उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आया। अंततः एक व्यक्ति ने उन्हें खरीद लिया। अपने नए मालिक के प्रति उनका मन जो था वो घृणा से भर गया था। मैं उसके कूल्हे में उंगलियां घुसेड़ घुसेड़ कर गोद गोद कर जिस तरह उनका मुआयना कर रहा था, इससे नए मालिक की निर्दयता का उन्हें एहसास हो गया था। वे भयभीत थे और विवश थे। नीलामी के पश्चात दोनों नए मालिक के साथ अपने भाग्य को कोसते हुए चलने लगे। और जब उन्हें रास्ते में उन्होंने गायें, भैंसों, बैलों का रेवड़ देखा, उसमें सभी जानवर प्रसन्न होकर मस्ती में उछल कूद रहे थे। हीरा और मोती के मन में आया कि कितने स्वार्थी हैं ये सब, इन्हें अपने ही भाई बंधुओं पर जरा भी तरस नहीं आता। वे चलते जा रहे थे, उन्हें लगा कि रास्ता कुछ जाना पहचाना है। उनके निर्बल शरीरों में जान आ गई, तेजी से भागने लगे। नया मालिक कुछ समझ पाता इससे पहले वे अपने पुराने मालिक झूरी के घर के नजदीक आ गए और भागते हुए थान पर आकर खड़े हो गए। बैलों को आया देख झूरी ने उन्हें गले लगा लिया। मालिक का स्पर्श पाकर एक झूरी के हाथ चाटकर अपना स्नेह प्रदर्शित करने लगा। तब तक नया मालिक भी वहां आ गया और उनकी रस्सियां पकड़कर बोला, ये बैल मेरे हैं, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। झूरी ने बोला, ये बैल मेरे हैं। नया मालिक उन्हें जबरन ले जाने लगा तो मोती ने सींग मारकर उन पर प्रहार किया। नया मालिक भाग गया। मोती ने तब उसे और दौड़ाया और दौड़ा दौड़ा कर गाँव से दूर भगा दिया। अब झूरी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उसने उस उल्लास में भरकर दोनों बैलों को अपने गले से लगा लिया और झूरी का स्पर्श पाकर दोनों बैल भी उसके साथ अत्यधिक खुश हो गए।